श्री आनंदपुर साहिब विद्या साहित अते संगीत दा केंद्र इस्लाम विच संगीत नू हराम करके मन्या गया है। औरंगजेब ने अपने राज नू संपूर्ण इस्लामी राज सिद्ध करन लई 1670 ईस्वी विच हुक्म जारी करके राग दी मनाही कर दित्ती। इधर गुरु घर विच कीर्तन धार्मिक संगीत नू प्रधानता दित्ती गई सी। गुरु नानक पातशाह कीर्तन नू प्रभु नाल जुड़न दा सर्वोत्तम वसीला मंदे सन। इसे लई तां उन्होंने रबाबी भाई मरदाना जी नू अपना साथी चुनिया सी। उन्हां दे मगरों भी गुरु दरबार विच कीर्तन दी प्रधानता रही है। रबाबी सत्ता अते बलवंड प्रसिद्ध कीर्तनिये होए हन। इन्हां दी वार भी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। बावत जी अब्दुल्ला ते नथ मल ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे समय बहुत सम्मान पाया है। गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय भी कीर्तन दा पहले सतगुरां दे समयां वांग सत्कार कीता जांदा रहा है। दशमेश पिता आपू मृदां ते सरंदा बहुत सोहना बजाउंदे सन। रवालसर विखे गुरु जी दा सिरंदा ते कृपान इकट्ठे पए हन। जद राज केंद्रां विच राग सुन ते गाउण दी मनाही हो गई तां कई रागी श्री आनंदपुर साहिब वल चल पए। किंज आनंदपुर साहिब अलाही संगीत दा एक केंद्र बन गया। गुरु गोबिंद सिंह जी जिथे शास्त्र विद्या विच माहिर सन, कीर्तन दे आशक सन, उत्थे साहित्यक रुचियां दे वी धारनी सन। आप जी संस्कृत हिंदी अरबी फारसी दे उच्च कोटि दे विद्वान सन। उन्होंने लोकां अंदर वीर रस दा संचार करन लई साहित नू एक साधन वजो वरत्या। जिथे उन्होंने आप बाणी दी रचना कीती उत्थे दरबार विच समय दे प्रसिद्ध साहित्यकारां कवियां नू बुलाया तां जो ओह वी लोक जागृति लाउण विच अपना हिस्सा पाउण। इस संबंध विच महिमा प्रकाश विच इस तरह दा जिक्र आया है। आग्या कीनी सतगुर दयाल विद्यावान पंडित लेहो पाल, जो इस विद्या ज्ञाता हुई वही प्राण संग लियावे सो। जद 1680 ईस्वी विच शाही फरमान नाल संस्कृत पढ़न पढ़ाउण दे सब केंद्र बंद कर दिते गए तां कई संस्कृत दे विद्वानां ने आनंदपुर आ के शरण लई। सतगुरु जी ने इन्हां कवियां दी आजीविका दी सारी जिम्मेवारी अपने सिर लई होई सी। जदों किसे कवि दी रचना उत्ते प्रसन्न हो जांदे सन तां उस नूं इनाम वजो धन दे खुल्ले गप्पे बख्शदे। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 55 ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਨ 1682 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ 1688 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਨ 1684 ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਜੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।